लघु सचिवालय में अक्सर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, पर ये लोग यहाँ शव लेकर आए हैं। ये लोग आसलवास दुबिया गांव के हैं। इनका आरोप है कि गांव के 38 वर्षीय जगबीर को गांव के ही 4 लोगों ने खेतों में बिजली की लाइन पर जबरन चढ़ा दिया, जिससे जगबीर की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पाकर DSP हेडक्वार्टर आर्यन चौधरी व सिविल लाइन थाना SHO इंस्पेक्टर पवन शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गांव आसलवास दुबिया। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। तो क्या घटना हुई थी गांव? घटना हुई थी कि मेरे भाई को खेत में जबरदस्त बुला घर से बुला के लेके गए थे। 3 आदमी 3-4 बार आए थे बुलाने के लिए, ठीक। और उसके बाद ये खेत में गया तो उन्होंने फ़ोन किया है इसके पास, फ़ोन करके बुलाया खेत में, ठीक। उसके बाद बोला पहला तार लगाना भैया, तार लगाने के लिए बोला तो इन्होंने तार लगाने के लिए बोला तो वो इन्होंने सतीश जो लाइन मैन उसके पास कॉल किया है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई मैं कल अपने आप लगा के जाऊंगा, तार में लाइन नहीं काटूंगा, ठीक। तुम इतना कुछ भी करो, मैं अपने आप लगा जाऊंगा तार, मेरी जिम्मेवारी होगी अगर मैं नहीं लगा के जाऊँ तो। अगर तुम कुछ भी दुर्घटना करोगे वो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी, मेरी कोई जिम्मेवारी को नहीं हो, ठीक। और उन्होंने धक्के से मारपीट के चढ़ाया और गाड़ दे के धक्के से चढ़ाया उन्होंने। ये मेरे भाई ने मेरे साथ जाते समय एम्बुलेंस में भी बोला ये बात मेरे को, जबरदस्ती चढ़ा दिया, जबरदस्ती चढ़ा के भाई लाइन काट दी, हमने कटवा दी ऊपर फेफड़े फाफड़े सब खत्म हो गया था जी। तो आप क्या मांग? हमारी मांग यही है कि गिरफ्तारी हो जाए, 4 आदमी जो है ना उनकी 302 का मुकदमा दर्ज हो जाए। ये 21 तारीख का मामला है, आसलवास गांव में करंट लगने से इस व्यक्ति की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी यहां लाए हैं। ये पुलिस से उचित न्याय चाहते हैं और जो भी कार्रवाई बिजली बोर्ड के माध्यम से या कोई आर्थिक मदद सरकार की तरफ से हो वो इनकी डिमांड है। डर के माहौल के लिए मैं अभी SHO जूई से बात करूंगा और अगर इनको आवश्यकता होगी मौके पे तो वहाँ इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस इनके साथ है, पुलिस पीड़ित के साथ है। इस प्रकार के और कितनी आर्थिक सहायता की जाएगी? ये तो एक बार DC ऑफिस साहब से उनका देखो महकमा DC कार्यालय के अंडर आता है, ये SDM साहब से उनसे टाई अप करके जो भी कानूनन बनता हो वो इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। हाँ, परिजनों ने कहा है भी हमारी जो FIR है उसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जो जो इसमें रिस्पॉन्सिबल उनके अरेस्ट होने चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से इनको आश्वासन देना चाहता हूँ जो सच्चे मुलजिम है एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, सभी के अरेस्टिंग होंगे। कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये कार्रवाई जोई थाना की है तो मैं अभी DSP साहब हैं अपने लोहारू जी और जोई SHO से अभी बात करता हूँ। इनकी जो भी अगर कोई बाद में भी कोई दिक्कत रहेगी तो SP साहब यहाँ बैठते हैं, अपनी समस्या का समाधान SP साहब के माध्यम से किसी भी समय किसी भी दिन करवा सकते हैं।